हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। दोस्तों, और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप है उसे बहुत लोगों के रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए हमने वीडियो कोर्स में कन्वर्ट किया है। दोस्तों, आपके सामने सिलेबस है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस देख सकते हैं, और अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मैंने नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है ट्रेडिंग सपोर्ट एंड HTHB ट्रेलिंग मेथड्स। यानी कि हम आज की वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक को सपोर्ट पे किस तरह से लिया जाता है, उसमें किस तरह से ट्रेड किया जाता है, एंट्री कहाँ पे की जाती है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाता है, और उसी तरह से टारगेट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। और उसी के साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि स्टॉक अगर हमारे डायरेक्शन में अच्छा खासा जाने लगता है तो उसे हम एक सही तरीके से किस तरह से ट्रेल भी कर सकते हैं। तो जो हमारा बेसिक पैटर्न रहता है हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न, तो उसका सहारा लेकर हम ट्रेलिंग किस तरह से कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में देखेंगे। वैसे तो ट्रेलिंग करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, जैसे कि हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अलग इंडिकेटर्स या कुछ अलग तरीके भी रहेंगे कि जिसका इस्तेमाल करके हम ट्रेलिंग कर सकते हैं। ट्रेलिंग के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे बनाए हैं, आप ऑलरेडी जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा एम्फोसिस रहेगा HTHP पैटर्न पे ट्रेलिंग करने के लिए। और नीचे हमने ये भी लिखा है कि हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक। दोस्तों, हमें पता नहीं होता कि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर लेवल पे पोजिशन बनाई होती है, पोजिशन बनाने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट आने लगती है, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाने लगता है, लेकिन हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, अभी इसे होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करके बाहर आए। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी एक लेवल तक स्टॉक जाता है, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तो हम वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटी को हम ट्रेल पे लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो स्टॉक आगे जाकर कितना ऊपर जाएगा। अगर हम सही तरीके से ट्रेल कर पाते हैं, हमारा ट्रेल हिट नहीं होता और स्टॉक कुछ महीनों के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जाने लगता है, तो वो स्टॉक आगे जाकर मल्टीबैगर भी हो सकता है और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो ट्रेलिंग का तरीका इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो वो किस तरह से किया जाए वो आज की इन्फॉर्मेशन, आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम वो रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपका जीरोधा में अकाउंट नहीं है और अगर आपको मेरे थ्रू जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। उसी के साथ जो हमारे बुक्स से अमेजोन पे और वीडियो कोर्सेस से यूडेमी पे, तो उनके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो वर्कशॉप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके नॉलेज में भी गेन होगा और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, वहां पे हम कंटिन्यूस बेसिस पे लर्निंग भी करते जाएंगे। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज ही होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अभी चार्ट ओपन करता हूँ और चार्ट के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से स्टॉक को सपोर्ट पे आइडेंटिफाई किया जाए, उसमें किस तरह से ट्रेडिंग की जाए, और मान लीजिए कि लेवल आने के बाद, हमारा टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को किस तरह से ट्रेल किया जाए मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने स्टॉक लिया है वो स्पेंसर्स का है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है और डेली चार्ट है। यहाँ पे मैंने कोई भी इंडिकेटर ड्रॉ नहीं किया है, खाली नीचे एक वॉल्यूम लिया है और जो बेसिक हमारे चार्ट पैटर्न्स बनते रहते हैं, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते रहते हैं, तो उसको मिलाकर हमने ये ट्रेडिंग करने की कोशिश की है। दोस्तों ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी जब भी मुझे नजर आया था कुछ दिनों पहले, उसका मैंने भी एनालिसिस किया था और उसके बाद बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट भी आई है, तो इसीलिए मैंने फर्दर उसको एनालाइज करने के लिए स्टॉक आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से ओपन हुआ था और कंटिन्यूस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो उसमें डाउनवर्ड साइड में ही मूवमेंट आई थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसमें थोड़ा रिवर्सल आ गया था। आप देख सकते हैं यहाँ से वो कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन ये लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे उसमें थोड़ा रिवर्सल आया था, राइट। रिवर्सल आने के बाद उसने यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस को फॉलो किया। अभी मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, जो कि अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया था और नीचे जाने के बाद उसे एज ए रेजिस्टेंस फॉलो किया था, और एग्जैक्टली यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने के बाद उसमें अपवर्ड साइड में रैली आई थी और एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद उसमें फिर डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई, राइट। तो ये स्टॉक को हमने एनालाइज कब किया, जब भी ये स्टॉक हमें ये लेवल के आसपास मिला तो, राइट। जब भी स्टॉक ट्रेड करते करते नीचे आ गया और ये कैंडल के आसपास, मान लीजिए अभी एग्जैक्ट थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो कैंडल है ये कैंडल पे, अगर आप ये ग्रीन कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल पे हमें थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिल गया था, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, अभी मैं थोड़ा इसे डिलीट करके फिर से बताता हूँ आपको, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये हमारी सपोर्ट लाइन है और ये हमारी राइट रेजिस्टेंस लाइन है, तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया था। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल पे हमने स्टॉक का एनालिसिस किया था, और यहाँ पे हमने एनालिसिस कब किया, किस तरह से किया, तो जब भी ये स्टॉक हमें ये लेवल पे मिल गया तो हमने थोड़ा यहाँ पे जो भी इसने एक स्विंग लो बनाया था यहाँ पे, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट कर दी और प्रीवियस हिस्टोरिकल चार्ट देख लिया। अभी इसका हिस्टोरिकल चार्ट तो बहुत बड़ा नहीं था, इतना ही था, लेकिन फिर भी हमें समझ में आ गया कि ये जो सपोर्ट यहाँ पे बन गया है और यहाँ से ये कैंडल ने, ये कैंडल पे ये तीन कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कैंडल ने लगभग इक्वल बॉटम बनाए थे और फिर ये कैंडल ने ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दिया था। तो यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस करने के बाद जब भी हमने यहाँ पे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट कर दी तो पीछे हिस्टोरिकल चार्ट पे यहाँ पे लग गया था हमें कि ये यहाँ से रिवर्स हो गया था। अभी पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट तो नहीं लिया था, लेकिन फिर भी ये दायरे में आने के बाद उसमें रिवर्सल आ रहा था, तो यहाँ पे भी वो चांसेस बन जाते कि यहाँ पे आने के बाद रिवर्सल आ सकता है, तो इसीलिए हमने ये कैंडल के ऊपर उसका एनालिसिस किया था। और एनालिसिस करने के बाद जनरली हम यहाँ पे एंट्री कहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं स्विंग लो के नीचे। अगर हमें कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है तो जनरली इसका हाई ब्रेक होगा तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बन जाती है, स्टॉक ऊपर जाता है तो कैंडल का लो ब्रेक होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन हम इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे पोजिशन बनाते हैं और इसका हाई अगर आगे जाकर ब्रेक नहीं होता, आप देख सकते हैं इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ तो ये थोड़ा साइड वे में चला गया, लेकिन ये कैंडल पे, ये कैंडल का हाई थोड़ा ब्रेक हुआ ऊपर के साइड में, तो इसमें इमीडिएट बेसिस पे प्राइस एक्शन आ गया, तो आपके ऊपर आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल रहेगी, इसमें आपको इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे लगाइए। लेकिन आपको कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, थोड़ी रिस्क ज्यादा लेनी है, अगर विप्सो मूव में वो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा यानी क्या, स्टॉप लॉस कम है लेकिन रिस्क किस तरह से रहेगी, अगर स्टॉक हमारा वोलाटाइल हो जाए तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं कंपेरेटिव टू स्विंग लो।
राइट। और जैसे ही इसने हमारा हाई ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं इसमें प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छी खासी आ गई और कुछ ही दिनों में स्टॉक यहां से यहां तक चला गया। अगर आप प्राइस रेंज भी देखेंगे तो 62 से लेकर इसका हाई देखेंगे तो 103 तक आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी रैली इसमें कुछ दिनों में ही आ गई, हमें बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल गया। राइट अभी मान लीजिए हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, अभी यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा था यहाँ पे, राइट ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया था। तो हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग लो के नीचे। राइट स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद अभी यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट था कि ट्रेडिंग एट सपोर्ट, की सपोर्ट पे किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। अभी हमारा अगला पॉइंट पॉइंट है कि स्टॉक में से मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से निकालना है, तो उसका जवाब है कि ट्रेलिंग करके। राइट तो ट्रेलिंग किस तरह से की जाए, तो हम ये पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले कि हायर टॉप हायर बॉटम जो पैटर्न रहता है उसका इस्तेमाल करके ट्रेलिंग किस तरह से करनी है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं पेंसिल का इस्तेमाल करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने ये कैंडल पे पोजिशन बनाई, हमारा स्टॉप लॉस था ये, तो जब तक स्टॉक अभी इसने ये एक लो बना दिया, लेकिन जब तक स्टॉक यहाँ से रिवर्स यानी कि ऊपर के साइड में जाने की इंडिकेशन नहीं देता तब तक हम हमारे स्टॉप लॉस को शिफ्ट नहीं करेंगे। जब भी ये कैंडल बड़ी वाली बन गई तो इसने इंडिकेशन दिया कि अभी उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है। तो जब भी स्टॉक एक हायर टॉप बनाने के बाद हायर बॉटम बनाता है तो हमें हायर टॉप का इंतजार करना पड़ता है। जब भी हायर टॉप बनेगा तो हायर टॉप बनाने के बाद अभी मेरे हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ट्रेलिंग करने के तरीके ट्रेडिंग करने के तरीके हर एक ट्रेडर्स के अलग अलग हो सकते हैं। राइट ऐसा नहीं कि मैं जो भी बता रहा हूँ वही करना है, अलग ट्रेडर्स के अलग अलग तरीके हो सकते हैं मेरे हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी ये थोड़ा ऊपर जाएगा और हमें हायर टॉप बनाने की इंडिकेशन दे देगा तो मैं यहाँ से ट्रेल उठा के यहाँ पे रख दूंगा। अभी आप देखेंगे तो स्टॉक तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है लेकिन हमारा ट्रेल तो यहाँ पे इतना दूर है, तो अगर ये नीचे आएगा और हमारा ट्रेल हिट करेगा तो हमारा प्रॉफिट बहुत सारा चला जाएगा, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो भी हमारा पहला टारगेट रहता है वहां पे हम इसीलिए पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हमारा पहला टारगेट आने के बाद ये रेजिस्टेंस हमारा पहला टारगेट था, वहां पे स्टॉक आने के बाद हम यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और हमारा रिमेनिंग जो क्वांटिटीज है वो कंपल्सरी ये ट्रेल पे हम रख देंगे। अगर नीचे भी आएगा तो यहाँ पे हिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट लेकिन हम ट्रेल पे ही लगाएंगे। कब तक लगाएंगे? जब तक एक हायर बॉटम और फिर से हायर टॉप नहीं बनता तब तक। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हायर बॉटम बन गया यहाँ पे, और फिर से अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल ने हमें हायर टॉप बनाने के इंडिकेशन दिए। तब जब भी हमें ये हायर बॉटम और उसके बाद हायर टॉप बनेगा तब हम इमीडिएट बेसिस पे ये ट्रेल उठाकर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो आपको दिखेगा कि कितना ज्यादा डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल गया जब भी हमने ट्रेल को शिफ्ट किया। तो इस तरह से ट्रेल वर्कआउट होते रहता है। अब ये इस तरह से ट्रेड कर रहा है, हम यहाँ पे अभी ट्रेल डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे, हम एक हायर बॉटम बनने देंगे और जब इस तरह की कैंडल फिर से बन जाती है और हायर टॉप का इंडिकेशन देती है तो फिर से हम ये जो हमारा ट्रेल है उसे शिफ्ट करके अगले हायर बॉटम पे हम शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे करते जाएंगे ना दोस्तों और स्टॉक कंटिन्यूअसली इस तरह से अपसाइड में अप ट्रेंड में चलते रहेगा, तो अगर आपका कुछ महीनों के लिए ट्रेल हिट नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक आपका मल्टीबैगर भी हो सकता है। लेकिन बहुत ही पीसफुली बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको ये करना पड़ता है। अगर आप इन बिटवीन थोड़ा डिस्टर्ब होकर स्टॉक को निकाल देंगे और स्टॉक फिर बाद में बहुत सारा ऊपर जाएगा तो फिर हमें पछतावा हो सकता है। तो इसीलिए हमें इस तरह के स्ट्रेटेजीज को इस तरह के ट्रेल को फॉलो करने के लिए बहुत ही पीस ऑफ माइंड रखना पड़ता है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है। तो अभी ये स्टॉक का तो मैंने बता दिया है, ये स्टॉक को आप फर्दर भी एनालाइज कर सकते हैं और जो भी हमारे अगले रेजिस्टेंस है अगर वो फिर से हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न कंटिन्यू करता है हमारा ट्रेल नहीं हिट करता तो जो भी अगले रेजिस्टेंस है वो हमारे अगले टारगेट्स रहेंगे। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जाएगा वैसे वैसे हम उसे ट्रेल भी करते जाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप सपोर्ट पे स्टॉक का सिलेक्शन करके ट्रेड भी कर सकते हैं, एक लेवल पे प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। इसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगी, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इंप्लीमेंट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है इरिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।